विद्या बालन इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी दो और दो प्यार के कारण खूब लाइमलाइट में बनी हुई हैं। इसमें वो प्रतीक गांधी के साथ नजर आएंगी और इसके अलावा इस फिल्म का हिस्सा इलियाना डिक्रूज भी होंगी, जो कि 19 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज के लिए तैयार है। अब विद्या बालन एक इवेंट में पहुंची जहां उनके साथ उनके को एक्टर भी शामिल थे। इस दौरान विद्या ने बताया कि कैसे उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में विच हंटिंग का सामना करना पड़ा, साथ ही कैसे बॉडी शेमिंग और अपने फैशन सेंस को लेकर भी उनको क्रिटिसाइज किया गया। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस के एक इवेंट में विद्या बालन ने बताया कि ईमानदारी से बताऊं तो हाँ, मुझ पर जादू टोना हुआ था। एक जातिगत मामले के कारण ऐसा हुआ था जिसमें किसी को मुझसे दिक्कत थी, लेकिन ठीक है, मैं आज एकदम सही सलामत हूँ। आपको मेरी माँ को देखना था। जब भी मैं दर्शन के लिए बाहर निकलती हूँ तो वो मुझे पहले सिर से पांव तक देखती हैं और पूछती हैं कि क्या मेरा इस तरह से तैयार होकर जाना सही है। अचानक से मेरा कॉन्फिडेंस खो जाता क्योंकि मैं उनको घबराया हुआ देखती। सच कहूँ तो मेरा भारी शरीर और उस पर पहने गए कपड़ों के कारण होता था। किसी के बाप का क्या जाता है। विद्या बालन ने पेशवी कल्चर के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि कैसे उनका नाम लेखों में भी घसीटा गया, जबकि उनका उन चीजों से कोई भी लेना देना नहीं था। उन्होंने बताया कि पेज थ्री कल्चर शुरू हो गया और मैं सभी गलत वजहों से इसमें शामिल हो रही थी। लोगों ने उन लेखों में मेरा जिक्र करना शुरू कर दिया जिससे मेरा संबंध नहीं था। वो ऐसा समय था जब एक्टर होने और फिल्मों में आने पर मुझे सिर्फ 2 साल हुए थे और मुझे लग रहा था कि मैं इन सब चीजों से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन मैं उससे निपटी और आज मैं वही करती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, वही पहनती हूँ जो पहनना चाहती हूँ, किसी को क्या कहना है इसकी परवाह नहीं करती, इसलिए हर कोई अरे वाह कहने लगा है। विद्या बालन ने आगे बताया कि कैसे उन्हें रिजेक्शन भी झेलना पड़ा था। उन्होंने कहा, लोगों ने उन्हें मनहूस तक कहा और दर्जनों फिल्मों से निकाल दिया। एक्सप्रेसो से बात करते हुए विद्या बालन ने बताया, रिजेक्शन के कारण मैं 3 साल तो एकदम टूट गई थी, आगे बढ़ने की इच्छा भी खत्म हो गई थी, लेकिन मेरे अंदर भी भूख इतनी थी कि वो बाकी सारी चीजों पर भारी पड़ गई। इसलिए मैं हर रात बिस्तर पर रोते हुए जाती थी, लेकिन खुद से कहती थी कि ठीक है, आज आखिरी दिन है जब मैं हार मान रही हूँ, लेकिन अगली सुबह मैं तुरंत सही जगह पहुंचूंगी और वो समय एकदम सही होगा। ऐसी चीजें बदलने लगी और विद्या बालन से जब फिल्म का ठंडे बस्ते में जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं जिस तरह के रोल्स चाहती थी वो तो मैं भूल ही जाऊं, क्योंकि मोहनलाल के साथ फिल्म ठप होने के बाद एक और मलयालम फिल्म थी जो मैं कर रही थी, वो भी ठप हो गई। तभी लोगों ने मुझ पर मनहूस का टैग लगा दिया। वो बहुत ही दिल पर चोट करने वाली स्थिति थी। विद्या बालन ने आगे बताया कि जो फिल्में उन्होंने साइन की थी उनके प्रोड्यूसर्स ने अनलकी टैग की वजह से उन्हें रिप्लेस करना शुरू कर दिया था। विद्या बालन ने बताया कि उन्हें लगभग 1 दर्जन फिल्मों से ज्यादा में हटा दिया गया था। विद्या बालन ने बताया कि जब एक तमिल फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो उस फिल्म के प्रोड्यूसर ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। कुछ दिनों के बाद उन्हें खबर मिली कि उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है। प्रोड्यूसर ने कहा कि मैंने उनकी कुंडली पढ़वाई, वो बदकिस्मत है। जब विद्या बालन और उनके माता पिता चेन्नई में उस प्रोड्यूसर से मिले और उनसे बात की तो निर्माता ने उनसे पूछा, क्या वो एक हीरोइन की तरह दिखती है। विद्या ने कहा कि उनकी शक्ल सूरत पर की गई और तरीके की टिप्पणी ने उन्हें प्रभावित किया था। 6 महीने तक खुद को आईने में नहीं देखा था, लेकिन लगे रहो मुन्ना भाई के बाद पासा पलट गया। फिर उसी प्रोड्यूसर ने उन्हें एक बड़ी फिल्म के लिए अप्रोच किया था। साथ ही नेपोटिज्म के बारे में भी विद्या बालन ने बात की। उन्होंने कहा, नेपोटिज्म है या नहीं, लेकिन मैं यहाँ हूँ, किसी के बाप की इंडस्ट्री नहीं है। नहीं तो हर बाप का बेटा हर बाप की बेटी सफल होती। वही प्रतीक गांधी ने कहा कि टीवी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था,
मैंने जितने भी ऑडिशन दिए मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। टीवी शो के लिए उनका लुक थोड़ा अलग था। उन्होंने कहा कि मेरी शक्ल उनके काम नहीं आई, वो एक तरह की काया, त्वचा का रंग और चेहरा तलाश रहे थे। वेल, विद्या बालन की इस टिप्पणी पर अब आपकी क्या राय है, आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें NBT एंटरटेनमेंट।